शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में इमरान खान से इस्तीफा मांगा जा रहा है। असल में संसद में इमरान सरकार ने बिल पेश किया था, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से बिल पास नहीं हो सके। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों की डिमांड है कि इमरान सरकार के पास बहुमत नहीं है। यह भी हो सकता है कि इमरान खान को जल्दी ही मेजोरिटी प्रूव करने के लिए कहा जाए। पाकिस्तान के पत्रकारों ने तो इमरान सरकार के गिरने की तारीख भी बता दी है। उनकी माने तो सिर्फ 8 दिनों में इमरान सरकार गिर जाएगी। इसको एक अपना पर्सनल एक जहाज समझ लिया, ये आप अपनी जात के लिए नहीं कर रहे। इमरान खान साहब घबरा गए, बहुत घबराए हुए, और इत्तेहादी जो है उनकी घबराहट देख रहे हैं। हुकूमत अपने बुलाए हुए पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से भाग गई। आपको लगता है कि हवाएं इनके खिलाफ हो गई हैं, जो मुश्तरका इजलास में इनको ना इत्तेहादी मिल रहे हैं। दो शिकस्तों के बाद हुकूमत ने आज पतली गली से निकलने में आफियत जानी। पाकिस्तान की हवा बदल रही है। पार्लियामेंट में इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की तैयारी है। सरकार कभी भी गिर सकती है और वजीरे आजम तो अब पार्लियामेंट जाने वाले रास्तों से भी बचकर निकलते हैं। अगले चंद हफ्ते के अंदर अंदर इनके खिलाफ एक इनको मेजोरिटी इनकी जो है इधर उधर हो जाएगी। अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि इंतजार में है कि हमें इशारा मिले या हमें समझ आए कि हमने जाना कहाँ है और कब जाना है। ये तो फैसला हो गया कि अब जाना है, ये हुकूमत नहीं सरवाइव कर सकती। हुकूमत को 2 दिनों में 2 बड़ी शिकस्तें हुई हैं और दोनों की दोनों पार्लियामेंट के अंदर, और बिलाखिर हुकूमत पस्पा हो गई है, भाग गई है, दौड़ लगा दी है। लिटरली जिसको कहते हैं ना भाग जाना, दौड़ लगाना। इमरान खान डर गए हैं, घबरा गए हैं। अब हुकूमत आपको हिली हुई नजर आती है। टेक्निकली जिस हुकूमत के पास पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत नहीं हो, वो बिल पास ना करवा सके, वो ज्वाइंट सेशन के अंदर अपनी अददी अक्सरियत को साबित ना कर सके, या उस पर खौफ तारी हो, वो हुकूमत जाती रहती है। लेकिन उसका ज़रा तरीकाकार मुख्तलिफ है। ओवरऑल जो माहौल बना हुआ है, हुकूमत बहुत परेशान है, इसके नंबर्स जो हैं वो घटते जा रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकारों को इमरान सरकार गिरने का इतना भरोसा क्यों है? वजीरे आजम की मेजॉरिटी पर किसकी टेढ़ी नजर है? नियाजी सरकार गिरने के दावे कितने सच्चे हैं? ये अगली खबर से पता चल जाएगा। 10 नवंबर को इमरान खान ने पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाने का फैसला किया, लेकिन 30 मिनट बाद ही इसे टाल दिया। असल में इमरान एक बिल पास करना चाहते थे, लेकिन वो अपने सहयोगी दलों को भी सपोर्ट करने के लिए राजी नहीं कर पाए। गुरुवार की ये तस्वीरें देखिए। सांसदों को अपने पक्ष में करने के लिए इमरान खान ने लंच का प्रोग्राम रखा, सहयोगी पार्टियों को भी बुलाया, सबका सपोर्ट लेने के लिए जिहाद वाला भाषण भी दिया, लेकिन सब बेकार। ये जो हम कल करने जा रहे हैं, इसमें मैं सब कुछ चाहता हूं कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाज समझ लिया। ये आप अपनी जात के लिए नहीं कर रहे, ये कोई इलेक्शन चेंज इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें इमरान खान को या आपको किसी को फायदा है, ये अपने डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं जो शुरू ही तब होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जैसे ही वजीर आजम ने जिहाद के ऊपर उनको तबलीग की, उसके इजलास खत्म होते साथ ही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जो वजीर आजम इमरान खान की यकीनन हदायत के ऊपर ही कर रहे होंगे, उन्होंने जिहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, कल कोई जिहाद नहीं होगा, हम सेशन कॉल ऑफ कर रहे हैं। इमरान की तकरीर यानी भाषण से एक दिन पहले पार्लियामेंट में जो हुआ वो पाकिस्तान के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है। इमरान के सांसद ने एक बिल पेश किया, लेकिन वो पास नहीं हुआ, जबकि विपक्षी दलों ने अपना बिल पार्लियामेंट में रखा और बहुमत से पास करा लिया। यानी पाकिस्तान में सरकार इमरान की है, लेकिन वजीरे आजम के सांसदों ने अपने कप्तान के खिलाफ वोटिंग की और संसद में विपक्ष की मर्जी से बिल पास हो रहे हैं। इस्लामाबाद में किसी सरकार ने ऐसी शर्मिंदगी का सामना आज तक नहीं किया। आपको लगता है कि हवाएं इनके खिलाफ हो गई हैं, जो मुश्तरका इजलास में इनको ना इत्तेहादी मिल रहे हैं, ना इनको अपनी पार्टी के लोग मिल रहे हैं, चाहे जितना भी इसको मफरूजा कहते रहे सदाकत साहब बैठ के इधर, को गुज़श्ता रोज ही मुस्तफी हो जाना चाहिए था जब बिल पास नहीं हो सके थे। उस दो बिल, हाँ जी बिल्कुल क्लियर था कि हाउस जो है वो इनके साथ नहीं है, और हाउस जो ऐवान बाला है उसके अंदर इनको अक्सरियत नहीं है। ऐवान ज़ेरी में ये हार चुके हैं। अखलाकी तौर पर इनके इक्तदार में रहने का जवाज़
कल से ही खत्म हो चुका है। हुकूमत जो है वो डर के भाग गई है। जो इन्होंने कल करना था ना 11-11-11 का जो इन्होंने हिंसा मिलाया था वो खराब हो गया हिंसा। मुझे लगता है इस दफा जो सितारों की चालें देखने वाले हैं ना वो दूसरे पासे ना लगे और गलत मशवरा दे दिया था क्योंकि चीजें प्रॉपर नहीं हो सकी और वो हुकूमत भाग गई कल के मुश्तरका इजलास से। एक और दावा यह भी है कि कप्तान की हुकूमत सिर्फ 8 दिनों के बाद खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान में हल्ला है, 8 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है? इसकी वजह खुद इमरान खान का फैसला है, जिसके मुताबिक 20 नवंबर को लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम आईएसआई के नए चीफ बनेंगे। नए चीफ की तरफ से एक लाउड एंड क्लियर मैसेज आया है। उन्होंने कह दिया है कि 20 नवंबर से आईएसआई इमरान की सियासी मुसीबत सुलझाने का ठेका नहीं संभालेगी। जनरल बाजवा के साथ इमरान के रिश्ते पहले ही खराब हैं। आईएसआई ने वजीरे आजम को सपोर्ट देने से मना कर दिया और अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी प्रेशर आने लगा है। यानी एक एक करके सारी एजेंसियां इमरान खान के खिलाफ हो रही हैं। इनके सपोर्ट के बिना इमरान 8 दिन क्या, शायद कुछ घंटों में ही पूर्व पीएम बन जाएंगे। सहादी भी अब देख रहे हैं कि बारिश के पहले कतरे गिरने शुरू हो गए हैं और आगे एक तूफान आ रहा है और जो सतून था जिसके बेसिस के ऊपर इमरान खान साहब सरवाइव कर रहे थे वो सतून अब दूर होना चाह रहे हैं और उसका एक बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन है जिसकी वजह से सारे लोग अब दो सोचों में पड़ गए हैं। वो ये है कि 19 तारीख को आईएसआई के अंदर तब्दीली आ रही है। वो साहब जिनके बेसिस के ऊपर इमरान ने अपनी गवर्नमेंट को सहारा दिया हुआ था वो चले जा रहे हैं और एक नए साहब आ रहे हैं। वजीरे आजम की तब्दीली वाली सियासत अपने फाइनल स्टेज में है, आखिरी सांसें ले रही है। प्राइम मिनिस्टर की आंकड़ों वाली बाजीगरी अब फेल हो गई है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 342 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 172 सीटें चाहिए। इमरान की पार्टी पीटीआई के पास 151 सांसद हैं और सहयोगी दलों के 25 मेंबर्स का सपोर्ट उनके पास था। इन्हीं 25 सांसदों पर इमरान खान को अब बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये पार्टियां पिछले 3 सालों से इमरान के साथ थी लेकिन अब की बार वोटिंग का मौका आया तो इन्होंने सीधे स्पीकर को फोन लगाया और इमरान को सपोर्ट देने से इनकार कर दिया। हुकूमत अपने बुलाए हुए पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से भाग गई, उसको मौखर कर दिया। हीले बहाने जो भी करें उनको पता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट के सेशन में उनके नंबर पूरे नहीं है, सेनेट में उनके नंबर पूरे नहीं है और एमएनएस का पता नहीं है कि आप वो किस तरफ जाएंगे। एमएनएस का क्यों पता नहीं है कि आपको नजर आया होगा कि हुकूमत को प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर 2 मरतबा शिकस्त हुई और मेंबर पूरे ना हुए और तमाम तर जोर लगाने के बावजूद ऑपोजिशन उनसे जीत गया। आपको 2 बिलों पे शिकस्त हुई, एक नून लीग का बिल था वो उन्होंने पास करवा लिया 117-104 से, दूसरा आपकी एक मेंबर का बिल था उसमें आपको शिकस्त हो गई 127-91 से, उसकी काउंटिंग हुई वो नोज हैबिट करके उन्होंने वो बात ख़त्म कर दी। दूसरा दिन है जॉइंट सेशन, वो कल उन्होंने रात को ही शाइया किया, आज आपका सेशन कॉल ऑफ हो गया। इमरान के सहयोगी उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं ये समझना बहुत आसान है। आप पाकिस्तान के इन 2 पत्रकारों की बातें सुन लीजिए। ये खुद बता रहे हैं कि इमरान की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में कैसे आसमान से अंडरग्राउंड लेवल पर आ गई है। जालिम जाबिर सफाक मसीहा इमरान खान के अलावा इस दौर में कोई है तो मुझे नाम बताओ। आज अगर हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, मिसोलिनी, चंगेज खान डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड रूप में होते तो इमरान खान के आगे पीछे ही होते, इमरान खान जैसे ही वो लगते। क्या अब भी कोई शक रह गया है कि ये आदमी महज तकारीर करने के काम आता है? क्या अब भी कोई शक रह गया है? सच यह है कि पीटीआई की नाकाम तरीन हुकूमत अवाम पर ऐसा अजाब बन गई है कि नाइंसाफी, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये आलम आ चुका है कि लोग इनकी हुकूमत के खात्मे के लिए दुआएं मांग रहे हैं। आजादी देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्रिकेट के मैदान में तो बहुत से रिकॉर्ड तोड़े थे और वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयों, गैर उसूली सियासत, इंतकामी धांधली, कवानीन बजरिया सदारती ऑर्डिनेंस जिनमें कई गैर आइनी और जमहूरियत को सबोताज करने की नीयत पे, इसके भी पिछले तमाम बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इमरान की पेशी हुई। ये तस्वीरें देख कर ही पाकिस्तान में कई लोगों ने इमरान सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर दी थी।
इसकी वजह दूसरी पिक्चर में मौजूद है। ये इमरान के करीबी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं। 19 नवंबर तक ये ISI चीफ रहेंगे। इनकी एजेंसी ISI के खुल्लम खुल्ला सपोर्ट में ही इमरान को गद्दी पर बनाए रखा था। कहा जाता है कि पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों से लेकर साथी लीडर्स के भी फोन टैपिंग ISI कराती है। ISI के मजबूत पिलर के सहारे इमरान सरकार बिना रुकावट चल रही थी, लेकिन तभी स्पीड ब्रेकर आ गया। जैसे ही ISI और फैज ने इमरान से दूरी बनाई तो वजीरे आजम को कोर्ट से बुलावा आ गया। सियासत को समझने वाले पत्रकार कहते हैं ऐसा तब होता है जब सरकार गिरने वाली होती है। इमरान खान के खिलाफ अब जजमेंट आनी शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, या कम अज कम उसके खिलाफ सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे उन इदारों से जो कि पहले बिल्कुल चुप थे क्योंकि उन्होंने इनके लिए वोट डाला हुआ था। अब वो भी शर्मिंदा है। तो जैसे एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट रही है, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा खड़ा होने के लिए तैयारी कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक आध जज पहले से ही खड़े थे, अब वो और भी एक दो खड़े हो जाएंगे। चीफ जस्टिस साहब भी अब उन्होंने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी है, सवाल करने शुरू कर दिए। तो यही बात है कि ये जो बुलाया है इमरान को, देखो सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान साहब को कोई बुला सकता है इस तरीके से, आइए जवाब दे, और वो गए ना जाते तो कंटेंप्ट में उनको पकड़ा जा लिया जा सकता था। अब मीडिया जो करे वो आप जाने, जो अदालतें करें वो आप जाने, जो इलेक्शन कमीशन करे वो आप जाने, जो आपकी पार्टी के अंदर हो वो आप जाने, जो हमने करना था कर दिया, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगले कुछ दिनों में हो सकता है इमरान सरकार के खिलाफ कोर्ट में नए मामले शुरू हो जाएं, किसी डील में करप्शन का मामला सामने आ जाए, यानी जो बातें अब तक पर्दे के पीछे थी वो इमरान के लिए नई मुसीबत बनेंगी। अब इमरान खान क्या करेंगे? क्या वो खुद गद्दी छोड़ देंगे? शायद नहीं। इमरान के पास अब भी कई ऑप्शंस हैं। पहला, हो सकता है इमरान को फौज की तरफ से हटने के लिए कहा जाए और फिर बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाए। दूसरा, ये भी पॉसिबल है कि इमरान खुद ही इस्तीफा देकर वक्त से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दें। इमरान पहले भी ऐसी बातें कह चुके हैं। पाकिस्तान में सबको यकीन है कि टाइम पूरा होने से पहले ही इमरान का टिकट कटेगा। रियल सिचुएशन बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये क्लियर है कि इमरान सरकार 2022 तक नहीं चलेगी। अब तो टीवी और सोशल मीडिया पर भी एंटी इमरान माहौल है। ढूंढ ढूंढ कर वजीर आजम के खिलाफ खबरें दिखाई जा रही हैं। हालात जो है वो इमरान खान के कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं, मुसलसल बाहर होते चले जा रहे हैं, और इमरान खान को इस बात की मशवरे भी दे रहे हैं लोग। इमरान खान साहब को उनके चाहने वाले, उनके हमायती जितने हैं वो सब मशवरे दे रहे हैं, ऑनलाइन आके दे रहे हैं, वीलॉग कर करके दे रहे हैं, पर खान साहब के कानों पर झूनी रिंग रही, और इसमें खान साहब का कसूर नहीं है। इसको सोते में पाकिस्तान की बेहतरी नजर आ रही है, इसको सोते में सारे मामलात, इसको जब बताओगे भाई महंगाई है तो कहता है हाँ बेल्जियम में कम है, बेल्जियम से मुकाबला कर लो। अबे ये बेल्जियम किधर है? मारूं जब इलेक्शन लड़ा था तो बताया था कि बेल्जियम की मिसालें देगा हमको। अल्लाह के कंधे को क्यों इस्तेमाल कर रहा है भाई अपने जुल्मों को जायज करवाने के लिए? बताओ ना कि पप्पा जानी के IMF के एजेंडे के मुताबिक मैं तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ यही सब खेल खेलूंगा, और जब मुल्क मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा 5 साल बाद तो कहूंगा ओ आई एम सॉरी। क्या मैं बार बार ये बावर करवाया गया कि रोजाना मुल्क में इतने अरब की करप्शन होती है जो इनके आने से रुक जाएगी? ये बताया गया कि इनके पास काम करने वाली टीम बिल्कुल तैयार है जिसमें ऐसे काबिल और ईमानदार लोग हैं जो कभी ना किसी ने देखे ना सुने? हमें बताया गया था कि 90 दिनों में ये हो जाएगा, 2 साल में ये हो जाएगा, 5 साल बाद न जाने हमारा मुल्क तरक्की की कौन सी जीने पर कदम रख चुका होगा। पर सच यह है कि मुल्क को इस हाल में पहुंचा दिया गया कि आइंदा आने वाला कोई भी हुक्मरान उसको शायद संभालना उसको मुश्किल हो जाए, और फिर कौम के पास, मौजूदा हुक्मरानों के पास कोई ऑप्शन ही बाकी ना रहे। वजीरे आजम ने अपना सियासी करियर बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। आतंकियों से लेकर कट्टरपंथियों तक का सपोर्ट हासिल किया। तहरीके लब्बैक के साथ इमरान सरकार ने समझौता किया। आज लब्बैक के चीफ साद रिजवी का नाम 4th Schedule से हटा दिया गया। इस लिस्ट में उनका नाम होता है जिन पर आतंकवाद या सांप्रदायिकता फैलाने का शक होता है। इतना ही नहीं, टेरर ग्रुप तहरीके तालिबान से सीज फायर के बाद तो पूरा पाकिस्तान नाराज है। इमरान खान साहब का हौसला कैसे हुआ है इतनी बड़ी बात कह देने का? उनका वो कपकपाए क्यों नहीं इतनी बड़ी बात कह देने पर कि हम इनको माफ कर देंगे? ये तसव्वुर नहीं कोई कर सकता था इस मुल्क के अंदर। क्या हम आज से 2-4 महीने पहले बैठ के आप अपने प्रोग्राम को ये टॉपिक रख सकती थी कि इनको माफ कर देना चाहिए? क्या कोई शख्स ने अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ये बात कर सकता था?
क्या कोई शख्स किसी पार्लियामेंट में बैठ के असेंबली में बैठ के बात कर सकता था कि इनको माफ कर दिया ना चाहिए? ये कितने हौसले और जिगरे की बात है इमरान खान ने जो कह दिया कि इनको माफ कर दिया जाए। कैसे माफ कर दिया जाए भाई? इमरान खान साहब घबरा गए, बहुत घबराए हुए, और इत्तेहादी जो है उनकी घबराहट देख रहे हैं, इसीलिए घबरा वो अब इधर उधर देख रहे हैं कि हमें कोई इशारा आए कहीं से कि हमने करना क्या है। उनको कोई इशारा नहीं आ रहा, पुराने जमाने में तो इशारा आता था, चले वोट डाले, चले इधर जाए, चले उधर जाए, अब वो सब कोई इशारे आने बंद हो। सियासी भविष्यवाणी ये है कि इमरान सिर्फ 8 दिन के मेहमान है, वक्त बहुत कम है, हो सकता है पाकिस्तान में 23वें वजीर आजम की एंट्री हो जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।